हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आशीष छाया पर। और ये देखिए, ये मैंने क्या बनाया है। ये मेरी बेटी ने बनाया है चीज सैंडविच आप सबके लिए, और साथ में चाय। और मेरी बेटी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर वो ना होती तो शायद मैं आप लोगों से मिल ना पाती, क्योंकि एक वो ही है जिसकी वजह से मैं आप लोगों से बात कर पाती हूँ, आप लोगों से मिल पाती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आप लोगों को इतना प्यार करती हूँ, इतना क्रेज़ी हूँ मैं आप लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये देखिए प्यारा प्यारा मौसम आपके लिए, और मेरी बेटी का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और आप सबका भी जिसने मुझे आप सबसे मिलाया और मुझे इस चीज़ के बारे में सिखाया कि यूट्यूब भी कोई चीज़ होती है। यूट्यूब के ज़रिए हम लोग अपनी मन की बात आप तक पहुंचा सकते हैं। और ये मैं बना रही हूँ यहाँ पर आप सब लोगों के लिए पकोड़े, और ब्रेड पकोड़े भी बना रही हूँ, इसमें बैंगन के और आलू के पकोड़े भी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, आप लोगों को अपने बारे में बताना। मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहती हूँ, और अपने बारे में भी आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन आपका ही एक ऐसा सहारा है, आप लोग इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म हो मेरे लिए, मेरी लाइफ का, कि कभी भी मैं उदास होती हूँ, कभी भी मैं अकेली होती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जाकर के भाग करके फटाफट अपना फ़ोन उठाऊँ अपनी बेटी का, और आप लोगों से बातें करना शुरू कर दूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, और आप लोगों के बिना मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि आप लोग मेरी जान बन गए हो। और मुझे मेरी बेटी ने बहुत कुछ सिखाया है ज़िंदगी में, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे ज़िंदगी को जीना चाहिए, और अपने लिए भी कुछ टाइम निकालना चाहिए। और जो हमारा दिल करता है हम वो कर सकते हैं, हमें इतनी आज़ादी मिलनी ही चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों के पास आती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ। तो इस सब में मेरी बेटी मेरे को बहुत सपोर्ट करती है कि मैं अपने मन की बात आपसे शेयर कर सकूँ, अपने बारे में बात कर सकूँ, और आपके बारे में जान सकूँ। इसीलिए जब से हमने स्ट्रे डॉग के लिए काम शुरू किया है, उसके बाद से आप लोगों का ख्याल आया एकदम से कि नहीं, अभी हमें ज़रूरत है आपकी। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, मेरे पास जॉब भी थी। तो अब ये देखिए प्यारा प्यारा मौसम आप सबके लिए, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारिश है, और ऐसे लग रहा है जैसे ओले पड़ रहे हैं, कहीं पर बिजली गिर रही है, बिल्कुल तूफान जैसी बारिश है। तो आप सब लोग इस बारिश को इंजॉय कीजिए। और किट्टू भी इस टाइम घर पर ही है, और क्योंकि किट्टू भी है, गोरी है, ब्लैक एंड वाइट है, गोरी की तीन बहनें हैं, किट्टू और कल्लू और ब्लैक एंड वाइट। किट्टू की तीन बहनें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, और आपको मालूम ही है हमने काफ़ी सारे बच्चों को स्टरलाइज करा दिया है। तो ये सब आपको मैं आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, क्योंकि स्टेलाइज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और बेला के बारे में आप जानते ही हैं, और ये लीजिए हमारी प्लेट तैयार हो गई है, और आप सब लोग भी खाइए पकोड़े। और आप सब लोग कैसे हैं मुझे बताइएगा, ज़रूर मुझसे बात कीजिए। मैं चाहती हूँ कि भी पूरी दुनिया मुझे सब्सक्राइब करे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा ना हो जो मुझे ना जाने, मुझे ना पहचाने। मैं कहीं पर भी अगर जैसे किसी को भी मुझसे बात करनी है, मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी अपना दुख सुख शेयर कर सकते हैं, मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगी आपके लिए। और मैं हमेशा आप लोगों को जो भी कुछ मैं करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप लोग कहेंगे अपने डेली रूटीन दिखाना, जैसे झाड़ू पोछा लगाते हैं हम लोग, बर्तन मांजते हैं, और घर के काम करते हैं, कपड़े प्रेस भी, मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, फिर एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था बर्तन धो रही हूँ, बर्तन साफ कर रही हूँ। तो ये सारी जो डेली रूटीन चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाती रहती हूँ। और अगर आप कहेंगे तो डेली का जो एक पूरे दिन का जो व्लॉग बनाना है वो भी मैं आपके लिए बनाऊंगी। हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं, आप सब लोग भी खाइए। और पकोड़े इतने अच्छे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती, जब मैंने पकोड़े बनाए थे उस टाइम भी मैंने बहुत सारे बनाए थे, तो क्या हुआ ख़त्म हो गए। फिर मैंने दोबारा से बेसन को घोला, मेरी बेटी ने मेरी हेल्प करी, दोबारा से बेसन घोला, फिर हमने और ब्रेड को कट किया, और फिर हमने और ब्रेड के पकोड़े बनाए।
तो पकोड़े इतने अच्छे बने, इतने रिच होते हैं देखने में भी खाने में भी, कि आपका दिल करेगा कि हाँ भी और बनाते जाओ और हम लोग खाते जाएं। ये चीज आती है, ये फीलिंग आती है, क्योंकि मौसम ऐसा बारिश वाला है और ऐसे मौसम में जो है पूड़ी हो गई, पकोड़े हो गए, इस तरह के पकवान, इस तरह की चीजें ही अच्छी लगती हैं। और हमारे यहाँ पर डेली बेसिस पे पकोड़े या तली हुई चीजें नहीं बनती, हफ्ते में एक बार बन जाती है। तो जब भी हफ्ते में एक बार बनती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करती हूँ। और ये चीजें तो डेली रूटीन में खाने वाली नहीं होती हैं, क्योंकि तला हुआ ज्यादा नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम लोग जो तेल खाते हैं, सरसों का तेल, वो अच्छा होता है। उसमें आप हफ्ते में दो बार जैसे इस तरह की तली हुई चीजें खा सकते हो। बाहर के बर्गर या पिज्जा से तो बेटर है, घर के आप कुछ भी बनवा के इस तरह का खा सकते हो, अपनी मम्मी से, अपनी सिस्टर से, अपनी वाइफ से, इस तरह की कोई भी आइटम आप बनवा के खा सकते हैं। घर की बनी हुई अच्छी होती है, साफ होती है काफी। हम लोग जो भी किचन में हम लोग काम करते हैं, लेडीज लोग, वो क्या करते हैं, बहुत अच्छे से क्लीन से बिल्कुल सफाई से बनाते हैं। हम लोग बाहर का जो है हार्मफुल होता है, उसमें डाउट्स होते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, भाई जिन्होंने भी बनाया है उन्होंने अपने हाथ साफ किए या नहीं किए, जो भी वो अपना प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो भी ऑयल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो अच्छा है नहीं है। और हम लोगों के पकोड़े हमेशा परफेक्ट की ब्रेड में बनते हैं, और ब्रिटेनिया की ब्रेड हमारे घर में कोई पसंद नहीं करते हैं, और परफेक्ट की ब्रेड ही आती है, चाहे वो बन हो चाहे वो ब्रेड हो। मौसम देखिए आप कितना अच्छा है आज का, और मैं यही आपको एक बार फिर से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरी बेटी का और मेरे बारे में